तुर्की और ग्रीस के बीच जंग के आसार फिर गहरा गए। हुआ ये कि ग्रीस के मिलिट्री चीफ एजियन और पूर्वी भूमध्य सागर में कुछ टापुओं का दौरा करने पहुंच गए और तुर्की और ग्रीस के बीच टापुओं के मालिकाना हक को लेकर ही विवाद छिड़ा हुआ है। ऐसे में उन्हीं टापुओं पर ग्रीस के मिलिट्री चीफ के पहुंचने पर तुर्की के मीडिया ने हल्ला मचा दिया। उसने इसे ग्रीस की तरफ से टेंशन बढ़ाने वाला, उकसाने वाला कदम ठहराया। ग्रीस इन टापुओं को अपना कहता है, दुनिया के देश भी इन टापुओं पर ग्रीस का हक बताते हैं, लेकिन तुर्की उन्हें विवादित इलाका मानता है, इसलिए तुर्की में ये बड़ा मुद्दा बन गया और तुर्की ने इस मामले में नेटो को भी खदेड़ दिया। तुर्की और ग्रीस दोनों नेटो के सदस्य हैं। ऐसे में तुर्की ने मांग की कि नेटो को ग्रीस को रोकना चाहिए, जबकि खुद तुर्की आए दिन ग्रीस को धमकी पर धमकी दिए जा रहा है। उसके राष्ट्रपति कई दफा ग्रीस को अपनी मिसाइल से उड़ाने की चेतावनी तक दे चुके हैं और तो और तुर्की के फाइटर जेट कई बार ग्रीस की हवाई सीमा का उल्लंघन भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी तुर्की ने ग्रीस पर सारा ठीकरा फोड़ दिया। तुर्की ने आरोप लगाया कि नेटो की एक ड्रिल में ग्रीस के लड़ाकू विमानों ने उसके विमानों को परेशान किया था। ऐसे में नेटो को ग्रीस को मनमानी करने से रोकना चाहिए। इधर महाराष्ट्र के रायगढ़ से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार ने एक मोटरसाइकिल और दो लड़कियों को जोरदार टक्कर मार दी। ये घटना उस वक्त हुई जब वो दोनों लड़कियां सड़क से गुजर रही थी, तभी उस कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें दो लड़कियां सड़क किनारे जाती दिखी। उसी दौरान एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल को दाईं ओर मोड़ता नजर आया। जैसे ही उसने अपनी मोटरसाइकिल घुमाई, सामने से आ रही एक कार से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। कार से टकराने के बाद मोटरसाइकिल सवार जमीन पर गिर गया, जबकि सड़क किनारे जा रही दोनों लड़कियां भी उसकी चपेट में आ गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उधर दक्षिण कोरिया के क्वाचान में एक एक्सप्रेसवे पर भीषण आग लग गई जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि एक बस और ट्रक की टक्कर के बाद वहां आग लगी जो तेजी से उस एक्सप्रेसवे पर बने टनल तक पहुंच गई। क्वाचान से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक्सप्रेसवे से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जिसके कारण इलाके में भारी मात्रा में धुआं फैल गया। तस्वीरों में दिखा कि आग ने एक्सप्रेसवे के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिस वजह से इस हादसे में कुछ लोगों की जान भी चली गई। इस बीच सलमान खुर्शीद के एक बयान ने बीजेपी को एक बार फिर कांग्रेस को परिवारवाद पर घिरने का मौका दे दिया। सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर एक विवादित बयान दे दिया और साफ कहा कि कांग्रेस में गांधी परिवार से ऊपर कोई नहीं। मुख्य नेता हमारे हैं वो गांधी परिवार से हैं। खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्मानित हैं। सलमान खुर्शीद के बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए हमले का मौका दे दिया। असली नेता तो गांधी परिवार है, यानी साफ हो गया कि खड़गे जी मुख नहीं मुखौटे। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाना 2024 के नजरिए से कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था। अध्यक्ष पद से गांधी परिवार को दूर रखकर कांग्रेस ने परिवारवाद का आरोप मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस के ही नेता के बयान ने उस कोशिश पर पानी फेर दिया। उधर मंगल ग्रह का रहस्य सुलझाने के लिए गए नासा के परसिवियरेंस रोवर ने वहां से अहम सैंपल जुटाने के बाद अपने मिशन का अगला पड़ाव शुरू कर दिया। नासा का रोवर अब इन सैंपलों को मंगल पर ही डिपॉजिट कर रहा है ताकि मंगल पर रहे जीवन के जुटाए गए सबूत किसी भी तरह पृथ्वी तक पहुंचाए जा सकें। इसके लिए नासा का परसिवियरेंस रोवर टाइटेनियम की खास ट्यूब में इकट्ठा किए गए सैंपलों को मंगल में जगह जगह रख रहा है। नासा का रोवर हर जगह से 2 सैंपल लेकर निकलता है। एक सैंपल वो अपने पास रखता है और एक सैंपल वो मंगल पर एक तय स्पॉट पर छोड़ देता है। प्लान यह है कि परसिवियरेंस रोवर इन सैंपलों को एक रोबोटिक लैंडर को डिलीवर करेगा, फिर वो लैंडर मंगल से जुटाए गए सैंपल पृथ्वी पर स्टडी के लिए लाएगा। लेकिन अगर रोवर वो ट्रांसफर नहीं कर पाया तो रिकवरी ड्रोन मंगल की सतह पर छोड़े गए इन सैंपलों को लैंडर तक पहुंचाएंगे।